वैसे उस आखिरी ओवर तक मेरे को तो लग रहा था जी आज धूमधाम की पार्टी होगी पंजाब कैंप में क्रिस गेल साहब के, अब पार्टी करेंगे कुंबले साहब ड्रेसिंग रूम में, वो वाली पार्टी जहाँ पे कोई कैमरा नहीं पहुंचेगा, अशु भाई ये लेंगे क्लास आज पूरी की पूरी टीम की यहाँ पे। नहीं देखिए, क्लास मैं कहूंगा कि आज जैसी ये हार है, क्योंकि अभी आपके पास 14 मैच नहीं है, ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है, दूसरा चरण जरूर शुरू हुआ है, पर जिस तरीके का ये मुकाबला आज रहा है और इससे पहले भी पंजाब बहुत बार ऐसा कर चुकी है, तो थोड़ी क्लास तो लेनी बनती भी और लाजमी भी है कि आपके हाथ में अंत में मुकाबला आ गया था कि सारे बल्लेबाज खेल रहे थे, कि ऐसा नहीं कि 9-10-11 थे नीचे, और जैसे निकलस पूरन आउट हुए देखिए उस तरीके से आउट हो जाते, उन्होंने 2-3 चौके 2 चौके उस तरीके से लगाए भी हैं, ऑफ स्टंप पे फ्री फ्लोइंग खेलते हैं मुस्तफिजुर रहमान को, और उनके आउट होने के बाद भी ये मुकाबला उनका जीतना बनता था, तो लाजमी सी बात है कि कोच पे तो देखिए दबाव होता है और अनिल कुंबले को उनकी क्लास लगानी चाहिए। सिर्फ ये जरूर कहूंगा आखिरी ओवर में कि एक गेंद वो शायद वाइड, जहां पर पंजाब थोड़ी अनलकी रही, छोटे छोटे स्मॉल मार्जिन का खेल है ये पूरा का पूरा 20। हाँ जी वीरू भाई आप कुछ कह रहे थे, वो एक वाइड भी लगा ले तब भी तो एक रन से हार गए। आपका फॉर्मूला फुल प्रूफ है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से मैच से वाकिफ करा देता हूँ दोस्त, क्योंकि शुरुआत जो हुई आज राजस्थान के बल्लेबाजों ने जबरदस्त शुरुआत करी, एवन लुइस थे, यशस्वी जायसवाल थे, उसके बाद महिपाल लोमरोर आए, उन्होंने कैमियो खेला वहां पे मिडिल ओवर्स में, और राजस्थान ने उस टाइम पे बनाए 185 रन, और अर्शदीप सिंह ने यहाँ पे 5 विकेट लिए, लेकिन उस टाइम पे हाफवे स्टेज पर लग रहा था कि ये खेल जो है पूरा का पूरा राजस्थान के हित में ही है, और उसके बाद पंजाब ने भाई जबरदस्त शुरुआत करी, चाहे मयंक अग्रवाल हो चाहे केएल राहुल हो, जिनको 3 बारी ड्रॉप भी किया गया, मयंक अग्रवाल ने बनाए 67, केएल राहुल 49 पे हुए आउट, और ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर में एक निकोलस पूरन है और बड़े आराम से यहाँ पे ये लोग ये मुकाबला जीतने वाले, लेकिन दोस्त आपके सामने नतीजा, आपके सामने 183 फॉर 4 इन 20 ओवर्स, और राजस्थान ने ये मुकाबला 2 रनों से जीता। वीरू भाई मैं तो कह रहा हूँ मोराल ऑफ अ टीम जो होती है ऐसे मुकाबले के बाद, कि अक्सर यू नो ये इतना मोराल हिटिंग टाइप लॉस है कि आप बोलना भी कुछ चाहो तो आप बोलना भी नहीं चाहो, कुछ मतलब आएगा ही नहीं दिमाग में, मतलब क्या बोलूं मैं यहाँ पे खिलाड़ी। नहीं देखिए, अगर गलती किसी एक की पिक करें तो किसकी पिक करेंगे आप, क्या केएल राहुल को बोलेंगे कि क्यों आउट हो गए 49 पे, या मयंक अग्रवाल को बोलेंगे कि आप क्यों आउट हो गए, या पूरन ने जिस तरीके से पारी खेली उनको बोलेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि विकेट थ्रो करके गए, तो ये पिक करना कि भाई किसकी वजह से मैच आ रही है थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस मैच में। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भाई किस्मत थोड़ी खराब थी, लेकिन अगर फिर भी किसी को पिक करना हो तो मैं कहूंगा मयंक अग्रवाल की, भाई अगर आप फॉर्म में हैं रन बना रहे तो खत्म करके जाइए, दूसरे पे मत छोड़िए, तो मुझे वो लगता है कि अगर आप ओपनर हो और आपने 50 का आंकड़ा पार कर लिया तो फिर अपनी टीम को जिता के लेके जाइए। ऋतुराज की मैं हमेशा बात करता हूं कि उन्होंने 88 रन बनाए ना बाद, आखिरी 20 ओवर आखिरी ओवर खेला, आखिरी बॉल तक खेले, छक्का मार के गए, शायद वो छक्का भी उन्हें जिता के लेके गया, तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल को वैसे ही करना चाहिए, केएल राहुल को वैसे ही करना चाहिए, एक बार रन बनाने लगो तो फिर खत्म करके जाओ, तो ये बैट्समैन के टॉप ऑर्डर जो होते हैं 1-2-3 उनकी यही जिम्मेवारी होती है कि आप रन बनाते हो तो फिर आप खत्म करके जाओ, क्योंकि जो नया बल्लेबाज आएगा ना उसको तो कुछ नहीं पता कि मैं विकेट में क्या हो रहा है, कैसे खेलूंगा, कैसे मारूंगा, लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन आप तो वहां खड़े हो 40-50 गेंदे खेलनी है, फिर ऐसे टीम हारनी नहीं चाहिए, मतलब मैंने तो देखा नहीं है कि कोई ऐसे ये क्रिस गेल होते ना तो मैं गारंटी देता हूँ अगर वो 50-60 बनाते ना तो वो हारने नहीं देते अपनी टीम को, वो जिताकर ही लेके जाते हैं। बिल्कुल आशु भाई, क्योंकि जब मयंक अग्रवाल आउट हुए आई थिंक कहीं ना कहीं 65 रन बनाने थे टीम को तब भी, और फिर आया जिम्मा ऑफ कोर्स निकोलस पूरन पे और जो बाकी के बल्लेबाज जो आए। नहीं देखिए, खास तौर पर आप देखिए मयंक अग्रवाल, केएल राहुल कप्तान है, और मयंक अग्रवाल भी इस टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल नहीं खेल रहे, और जिस तरीके की आपकी बल्लेबाजी है, एडन मैक्रम भी नए आए हैं, नीचे नौजवान खिलाड़ी हैं, तो ये आपके लिए और बन जाए, क्योंकि जब आप जिस तरीके से खेल चल रहा था ना तो ये आपकी और जिम्मेवारी बन जाती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ वीरू से, क्यों, क्योंकि जब तक आप अंदर खड़े हैं दूसरी टीम तो बिल्कुल वैसे ही बैकफुट पे है, तो आपको कोई खराब गेंदे तो घिरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में भी जिस तरीके से खेल चला गेंदबाजी खराब हुई और फील्डिंग बहुत खराब हुई है, जिसके चलते पंजाब इतने आराम से बाद में लग रहा था जीतते हुए, तो ऊपर से तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, इनके ऊपर और ज्यादा दबाव है, तो इनको जब भी मौका लगेगा अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा, मैच को खत्म करना होगा, पर आज ऐसा हो नहीं सका, और जिसके चलते अंत में अगली बार, और जब क्या होता है, जब यही आजकल देखिए जब T20 में क्या होता है आजकल, जो आप युवा पीढ़ी की बात करते हैं या बात करते हैं कि जब आप मारते चले जाते हैं, यही मुकाबला जब 18 ओवर में खत्म हो जाता है तो अच्छा लगता है, अरे क्या पॉजिटिव खेलते चले गए,
8 विकेट हाथ में थे और अब स्ट्राइक रेट को भी ऊपर ले गए, तो ये बहुत कम, जब नेट रन रेट अपना स्ट्राइक रेट जाएगा तो नेट रन रेट भी जाएगी नेट रन तो नेट रन पर वो तब अच्छा लगता है, पर आज जिस तरीके से खेल रहे थे तो मयंक अग्रवाल जरूर सोच विचार करेंगे अपने ऊपर जाकर कि और मेरे को मुकाबला खत्म करना चाहिए। दोबारा नजर डाले ना, क्योंकि उसमें जो 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं माक्रम, 26 रन नॉट आउट है, लास्ट ओवर में एक भी बॉल नहीं खेली। मैं कहूंगा कि अगर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, तो इनका हक बनता है कि आप नए बैट्समैन के पास जैसे पूरा आउट है जाए कि बॉल कीपर के पास जाए, कहीं भी जाए आपने भागना है, तो आप भागो और स्ट्राइक अपने पास लो, क्योंकि आप 26 पे खेल रहे हो, आप 20 गेंदे खेल चुके हो। तो मेरे ख्याल से वो भी एक गलती हुई है। ये गलती अगर एमएस धोनी क्रीज पे हो या रोहित शर्मा क्रीज पे हो ना, ये गलतियां कभी ना होने दें। बाहर से भी मैसेज भेजते हैं कि भाई जो सेट बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे ना, जैसे तैसे करके वो पहुंचे स्ट्राइक पर, अगर वो पहुंच जाते तो मैच खत्म था पंजाब के लिए। तो थोड़ी चूक वहां भी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि वो तो नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रह गए। तो त्यागी साहब ने जो गेंदबाजी की है वो कमाल की तो रही, लेकिन माक्रम की भी गलती रही कि वो रन भागे नहीं, क्योंकि इतनी बाहर अगर वाइड गेंदें गई हैं तो वहां से रन आउट करना थोड़ा मुश्किल काम है अगर पहले से भाग ले।